दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे मोबाइल आईटेल का है, इस पर दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप लोग के हम चालू करके दिखाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर जो टावर है, इस पर जो देख पा रहे होंगे कोना पे सिर्फ एक दो खूंटी बता रहा है। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आइए जानते हैं, इस पर देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसका जो कवर है, कवर को ओपन करते हैं। और ये देख पा रहे होंगे नेटवर्क, जो नेटवर्क के लिए लगा हुआ है स्टील टीना, इससे कैच करता है टावर, जिससे वो जो खूंटी बता रहा है वो इसी से कम बेसी होता है, नेटवर्क जैसा मिलता है उस तरह से। और यहाँ से नहीं होगा तो दोस्तों इस पर अलग से भी वायर लगा सकते हैं नेटवर्क के लिए, इसके अंदर लगा के कहीं एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो आइए सबसे पहले हम इसका जो उठा हुआ लग रहा है इस पर, उसको हम पूरा या चिपका के इस पर गोंद लगा के इसको हम पूरा अच्छी तरह से बैठा देंगे, ताकि हमारे जो नेटवर्क लगा हुआ है ये ताकि अंदर तक सटा रहे। जो आप लोग देख पा रहे होंगे उस पर जो प्लेट लगा है इस पर मोबाइल पे, तो यहाँ पे सटा रहता है। तो आइए इसको हम ठीक करते हैं, देखते हैं क्या इससे नेटवर्क बढ़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सोल्डर से इसको चिपकाते हैं जो। तो दोस्तों ये रहा सोल्डर, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जो इस पर दिख रहा है आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो ये बूंदा बूंदा देख पा रहे होंगे आप लोग, इसी पे अड़ा रहता है, चिपका रहता है। तो दोस्तों मोबाइल इस पर चालू है इसलिए जो बटन दब रहा है तो यहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हम इसको किस तरह से इसको बैठा रहे हैं इस पर, जो काला काला छेद दिख रहा है इस पर नेटवर्क के लिए। हमको इस तरह से इसको ठीक कर देंगे और इसको टाइट करने के लिए ऐसे भी इस पर गोंद डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी नेटवर्क नहीं आता होगा तो ठीक कर सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे इस तरह से, या इस पर फीफी क्यू भी डाल सकते हैं ताकि उठेगा नहीं, या पूरा पकड़ा रहेगा, चिपका रहेगा, तो आपका जो प्लेट है उस पर सटा रहेगा पूरा, तो नेटवर्क छोड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है फाइनली, पूरा जो भी था हम इस पर सोल्डर से हम इसको पूरा बैठा दिए हैं। तो फिर देखते हैं इस पर क्या नेटवर्क आया कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर नेटवर्क पूरा फुल है कोना पे, और इससे पहले आप लोग के दिखाए थे कि इस पे नेटवर्क बहुत एक दो खूंटी बता रहा था, इसके वजह से तो नेटवर्क इस पे आ नहीं रहा था। तो दोस्तों उसी से फॉल्ट था ये। अगर नहीं आता है इससे भी तो आप वायर भी लगा सकते हैं अधिक नेटवर्क के लिए, जो ताकि नेटवर्क
कभी आईसी डैमेज होने के कारण इस तरह से कैच नहीं करने पाता है, तो इसके जगह पे वो वायर लगा सकते हैं। लेकिन हमको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर जो कि हम उसको सटाए तो इस पर पूरा टावर आ चुका है। तो इस पर हम दोस्तों इस पर हम वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो चुका है टावर पूरा फुल। तो दोस्तों ये पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।